उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश में भी माहौल बीजेपी के साथ में नहीं है, ऐसी परिस्थिति है। तो नारा था 400 का 400 पार, वो अब हमने पहले भी कहा था कि नहीं है, अभी भी नहीं। ये जो असली एनालिसिस करने वाले जो है वो कभी भी बीजेपी को 200 से ऊपर नहीं दे रहे थे। वो इंडिकेशन है कि लोग अभी जो है मोदी से कंटाल गए हैं। अब ऐसा है कि कांग्रेस 46 से ऊपर आई तो यही होगा कि उनका वर्चस्व बढ़ गया, ऐसी परिस्थिति होगी उसको। बंगाल जो है वो ममता बनर्जी की ओर जा रहा है। बिहार जो है वो नीतीश के खिलाफ जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश में भी माहौल बीजेपी के साथ में नहीं है, ऐसी परिस्थिति है। महाराष्ट्र में भी परिस्थिति बीजेपी के साथ में नहीं है। तो इसलिए उनका जो नारा था 400 का 400 पार, वो अब हमने पहले भी कहा था कि नहीं है, अभी भी नहीं है, मुश्किल है उनको क्रॉस करना। देखिए जो ये जो असली एनालिसिस करने वाले जो है वो कभी भी बीजेपी को 200 से ऊपर नहीं दे रहे थे। और अगर सट्टा बाजार अगर हम लोग देखें तो ड्रास्टिकली नीचे आ रहा है। अच्छा, तो सट्टा बाजार एक इंडिकेशन है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। जो हमने 2014 की बात की, 19 की बात की, जो हमने मोदी लहर देखा था, ये 2014 ये जब मोदी लहर है ही नहीं मेरे ख्याल से। जहाँ बहुत सारे जगह पे मोदी जी की पहले मीटिंग है कि यहाँ होगी यहाँ होगी यहाँ होगी, और फिर दिखाई देता है कि वहाँ मीटिंग हुई नहीं है। तो जो अंदर की खबर मिल रही है कि उम्मीदवार ही मोदी की मीटिंग को टाल रहा है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग वैसे निकल जाते हैं। वो इंडिकेशन है कि लोग अभी जो है मोदी से कंटाल गए हैं। अच्छा, आपका कहना है कि बदलाव होगा 2024 में, बदलाव होगा ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए प्राइम मिनिस्टर का फेस जो है वो चेंज होगा, इतना मैं कहूंगा। लेकिन सरकार किसकी आएगी सर, फिर आप कह रहे कि देखिए सरकार किसकी आएगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इंक्वायरी के अंदर जितने नेता है वो अपने आप को बचाने की राजनीति करेंगे, और उस पर डिपेंड होगा कि सरकार की कौन सी आएगी किसकी आएगी। जो इंडिया अलायंस दावा कर रहा है कि वो भी, हालांकि उधर ठाकरे ने अपनी सभा में कहा है कि इंडिया अलायंस जो है 300 पार के करीब लेके आएंगे और उनकी सरकार बनेगी, क्या आपको लगता है? मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ। इंडिया अलायंस के साथ हमने देखा महाराष्ट्र की बात करते हैं, कांग्रेस नसीम खान जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया स्टार प्रचारक से, किस तरह से, हालांकि वर्षा गायकवाड़ जो है जहां साउथ सेंट्रल से लड़ना चाहती थी लेकिन उनको साउथ सेंट्रल ना देके नॉर्थ सेंट्रल दिया गया, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? देख वही कांग्रेस की कमजोरी है, मैंने जो हम लोग को दिखाई दे रही थी, कांग्रेस की कमजोरी है कि वो ठीक ढंग से बार्गेनिंग नहीं कर पाए, और इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी नाराज है ऐसे दिखाई देते अभी उसी से। इसलिए हम लोग कांग्रेस के निचले के जो कार्यकर्ता है उनसे कह रहे हैं कि भैया लोकसभा गई अभी छोड़ दो उसको, विधानसभा में दोनों मिलकर ये अभी से ही शुरुआत कर लो। तो कई कांग्रेस के नेता जो है वो हम लोग को इंटरनली मदद कर रहे हैं। तो कहीं ना ये कहना आपका कि कांग्रेस में वर्चस्व था पूरे देश में वो खत्म हो रहा है, दोनों का खत्म हो रहा है, बीजेपी का भी खत्म हो रहा है, सिर्फ कांग्रेस का नहीं बीजेपी का भी खत्म हो रहा है। अब ऐसा है कि कांग्रेस 46 से ऊपर आई तो यही होगा कि उनका वर्चस्व बढ़ गया, ऐसी परिस्थिति होगी उसको। बात करते महाराष्ट्र की, जैसे हमने देखा सीट शेयरिंग की बात करी, महायुति हो या एनडीए की सीट किस तरह से देख रहे कि उनके ही नेता में बगावत दिख रही है कई सीट पे जहां कांग्रेस दावा करते थे, क्या आने वाले चुनाव या आने वाले समय में ये तीनों पार्टी एक साथ लड़ेगी आपको दिख रहा है, जिस तरह से माहौल अभी चल रहा है? मुझे दोनों गठबंधन जो है वो साथ लड़ेंगे ऐसा मुझे नहीं दिखता है, उनके पार्टियां अलग अलग लड़ेगी ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब एकनाथ शिंदे है वो अलग लड़ सकता है, उसके बाद में अजित पवार अलग लड़ेगा, बीजेपी अलग लड़ेगी, यहाँ पर शिवसेना उद्धव ठाकरे अलग लड़ेंगे,
एनसीपी अलग लड़ेगी, कांग्रेस अलग लड़ेगा, सब अलग लड़ेंगे, सब अलग अलग लड़ेंगे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो जो इंडिया अलायंस बनाया गया सर, उसका क्या सर बीजेपी से हालांकि वो मैंने कहा आप उनसे ही पूछे उनका अलायंस का क्या होगा, मैं तो कुछ कह नहीं सकूंगा उस पर। नसीम खान की बात करते हैं, नसीम खान जो है स्टार प्रचारक थे, उन्होंने छोड़ दिया, इम्तियाज जलील MIM के हैं, उन्होंने उनको ऑफर दिया अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने का, सर क्या आप भी ऑफर देना चाहेंगे, हालांकि आपने भी अपनी मुंबई से उम्मीदवार घोषित नहीं किए तक। जी जी जी, सवाल ऐसा है कि हमारे उम्मीदवार जो है वो हम लोग ने चयन करके रखे, काम कर रहे हैं, दो दिन में हम लोग उसका अनाउंसमेंट कर रहे हैं। दो दिन में? हाँ सर। हालांकि चर्चा ये भी है, आज सुबह अबू आजमी जो है वो बात करते हुए कहा कि कांग्रेस जो है जो सिर्फ 48 सीटें कांग्रेस महाराष्ट्र में लोकसभा की, उसमें से किसी भी एक चेहरे मुस्लिम चेहरा नहीं है, ये अभी रिपीट ऐसा ही सवाल ऐसा ही ये अभी कह रहे हैं, हम लोग तो बहुत पहले ही कर रहे थे कि भैया कांग्रेस मुसलमानों को देगी नहीं। अब ऐसा है कि कांग्रेस क्यों नहीं दे रही है, ये मेरे ख्याल से मुस्लिम लीडरशिप ने कांग्रेस लीडरशिप को पूछना चाहिए कि आप क्यों नहीं दे रहे हो करके। घोषणा पत्र की बात करते हैं, आपने बीजेपी के घोषणा पत्र में कांग्रेस की घोषणा पत्र क्या कहना चाहेंगे इस पे, जिस प्रकार से मेरे ख्याल से मैं कहूंगा कि हमने जो 49 प्रोग्राम MBA को दिया था वही उसी में बड़े पैमाने पे है, वही है, तो उसमें करने की क्या बात है, कुछ है ही नहीं नया उसमें। ठाकरे भी घोषणा पत्र जारी किया था, हमने देखा था NCP ने यशवंतराव चव्हाण को भारत रत्न देने की बात की, वहीं वीर सावरकर की बात करें, उन्होंने कहीं भी अपने घोषणा पत्र में वीर सावरकर को भारत रत्न देने की बात की, लेकिन हालांकि शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है हमेशा उनकी पार्टी के नेता जो है वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग करते, लेकिन प्रमाण पत्र में कहीं दिखा नहीं, किस तरह से देख रहे हैं सर आप, क्या वो दिखाओ आप ऐसा उसको उस इश्यू को अपने घोषणा पत्र में क्यों नहीं ले आए। मेरे ख्याल से सबसे अच्छा जवाब जो है वो उद्धव ठाकरे दे सकते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं इंक्लूड किया अपने घोषणा पत्र में। उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश में भी माहौल बीजेपी के साथ में नहीं है, ऐसी परिस्थिति है, तो नारा था 400 का 400 पार, वो अब हमने पहले भी कहा था कि नहीं है, अभी भी नहीं। ये जो असली एनालिसिस करने वाले जो है वो कभी भी बीजेपी को 200 से ऊपर नहीं दे रहे थे, वो इंडिकेशन है कि लोग अभी जो है मोदी से कंटाल गए। अब ऐसा है कि कांग्रेस 46 से ऊपर आई तो यही होगा कि उनका वर्चस्व बढ़ गया, ऐसी परिस्थिति होगी। उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश में भी माहौल बीजेपी के साथ में नहीं है, ऐसी परिस्थिति है, तो नारा था 400 का 400 पार, वो अब हमने पहले भी कहा था कि नहीं है, अभी भी नहीं है।